दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गार्डन हॉबी एंड फार्मिंग। दोस्तों कोरोना काल की वजह से गिलोय से तो आप सभी परिचित हो गए होंगे, क्योंकि कोरोना जैसी बीमारियों से लड़ने की अद्भुत क्षमता इस औषधीय पौधे में थी। गिलोय को अमृता, गुडुची, मधुपर्णी, रसायनी आदि नामों से जानते हैं। दोस्तों आज मैं आपको गिलोय के पौधे घर पर तैयार करना बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। तो चलिए गिलोय के पौधे अपने घर पे कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जो ये कटर है, इससे जो गिलोय की ब्रांच में लेके आया हूँ, इनको थोड़ा सा तिरछे आकार में काट लें। इससे कि क्या है, आपके जो जड़ें हैं, रूट है, वो जल्दी निकलती है। और तिरछे आकार के काटने से ये नीचे से इस जो डंठल है इसमें सड़न और गलन की जो समस्या है वो कम रहती है, और अपनी गिलोय जो है बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने जो ये गिलोय के पौधे लेके आया हूँ, इससे 10 या 12 जो प्लांट है मैं तैयार कर रहा हूँ। तो हमें गिलोय के जो 10 या 12 डंठल जो है आपके 6 या 7 इंच में आप इसको काट लें, और जो एक्स्ट्रा ये जो पत्ती है, जो पीली हुई पत्तियां हैं, इन पत्तियों को भी आप हटा दें। इससे जो है गिलोय की जो डंठल है वो आराम से ग्रो करेगी और इसकी जो नई पत्तियां है वो जल्दी निकल जाएगी। अभी जो मौसम सर चल रहा है वो आपके निकल रहा है, तो ये जो है आपके नई डाली से गिलोय तैयार करना या जो भी पौधा हम तैयार करते हैं इस मौसम में काफ़ी अच्छी तरीके से वो हो जाता है। तो आपके सामने ये सारी चीज़ें हो रही है। देखिए जो पीले पत्ते हैं मैंने हटा दिए हैं, और ये जो डंठल है 10 या 12 डंठल मैंने तैयार किए हैं। इस डंठल से जो आगे मेरे पास जो पॉलीथीन होगी उसमें मैं भरूंगा। देखिए ये एक्स्ट्रा पौधे जो ये एक्स्ट्रा जो है इसको हटा देना है। इससे जो है आपकी गिलोय है वो अच्छी तरीके से कामयाब रहेगी और ग्रो करने में, उसके रूट्स आने में, ये सारी चीज़ें जो अच्छी रहेगी। क्योंकि एक्स्ट्रा डंठल तो ये डंठल जो तैयार करते हैं ये भी अच्छी तरीके से हमें ध्यानपूर्वक करने चाहिए। और इनकी आकार की अगर हम बात करें तो ये देखिए आपके सारे की सारी डंठल सामने हैं। ये देखिए ये मैंने 12 से 13 डंठल जो है वो तैयार कर लिए हैं। इसका भी एक्स्ट्रा है, ये निकाल देते हैं। अब ये सारी की सारी जो डंठल है मैं इनको इन जो पॉलीथीन बैग है, ये प्लास्टिक बैग आपके नर्सरियों में मिल जाते हैं या कहीं से भी अमेजन से मंगाते हैं। ये जो आप मिट्टी देख रहे हैं ये मेरे गार्डन सोइल की है। इस मिट्टी को मैंने अपने गार्डन से इकट्ठा किया है और वहाँ से यहाँ रख के मैं इन सारी ये जो पॉलीथीन बैग है इनमें भर के और आपके सामने ये मैं तैयार कर रहा हूँ। गिलोय जो है अपने आप में काफ़ी बहु औषधीय पौधा है, और ये अपने औषधीय गुणों के कारण से इसे सभी लोग आजकल जानते हैं। क्योंकि कोरोना में काफ़ी गिलोय की चर्चा रही है, गिलोय के काढ़े हमने खूब लिए हैं। वैसे भी गिलोय जो है आपके पाचन क्रिया को काफ़ी मजबूत करता है, यह जठराग्नि को बढ़ाता है जिससे आपको खूब भूख लगती है, भोजन का पाचन भी अच्छी तरीके से करने में सहायक है। आप जानते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी बुखार हो उससे गिलोय जो है ठीक हो जाता है। तो आगे मैं वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ये लंबा ना हो इसलिए मैं इसको फॉरवर्ड स्थिति में डाल रहा हूँ। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow.
shadow through the sun rays, and on and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. दोस्तों ये देखिए मैंने 10 से 12 बैग जो है वो तैयार कर दिए हैं। इसमें जो है अपने हल्के हाथों से इसमें पानी डाल दें। मेरे पास वो पानी के लिए यही है। इससे सारे जो बैग है देखिए आप पानी से भर गए हैं। और दोस्तों अगर किसी को भी गिलोय की आवश्यकता है तो मुझे कमेंट्स में लिखे, मेरे अगर पहुंच में आप होंगे तो बिल्कुल आपके लिए हाजिर है। दोस्तों मेरा एक अनुरोध है आप लोगों से, गिलोय और तुलसी जो है ये बहु औषधीय पौधे हैं, सबके घरों में ये होने चाहिए। ये एक ऐसा मेडिकल है जो सातों दिन 24 घंटे आपके घर में आपकी सेवा के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों गिलोय तुलसी जो भी औषधीय पौधे हैं उन्हें अपने घरों में लगाएं, लोगों को इसके गुणों के बारे में बताएं और आयुर्वेद को अपनाएं। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।